विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं रीवा जिला से, जहां 2009 में भय हत्या के मामला में आरोपी बनाए आदित्य वर्मा का न्यायालय आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अपना पंचन का बता दें कि आदित्य वर्मा पर आरोप रहा कि पैसा के लेन देन का लेके अपने साथी के साथ मिलकर विजय सोधिया महसुआ के हत्या ओखे आहरी में कीन गए रही और सबका बांध के कुआं में फेंक दिन गया रहा। यह मामला में साक्ष्य के आधार में न्यायाधीश आजीवन कारावास के सजा और अर्थदंड से दंडित की ही अर्थदंड ना जमा करे पर 9 महीना के और कारावास भुगते पड़ी। आई सुनाई थे लोक अभियोजक डीएन मिश्रा का पूर्व मामला का लेके उनखर का कहना है। आरोपी इसमें आदित्य वर्मा है, ये थाना रायपुर परचुलिया का मामला है। इस प्रकरण में फरियादी चंद्रवान सोधिया पुत्र विजय सोधिया थे। ये माने इस मामले के 3 मुलजिम थे, जिसमें महेश मशीनरी स्टोर बस स्टैंड रीवा में ये तीनों लोग मिस्त्री का काम करते रहे और 1/3/2009 को शाम को 5 बजे ये काम करने के बाद तीनों व्यक्ति घर से निकले और सिरमौर चौराहे तक 707 रहे और फिर सिरमौर चौराहा जाने के बाद मृतक जो है अपने साथियों को ये बताया कि मुझे निमंत्रण खाने के लिए कहीं जाना है। और जब वो देर रात तक नहीं आया तो उसके परिजन इस बात का पता लगाए कि भाई रिश्तेदारों के यहाँ यदि कह के गया है तो आखिर गया कहाँ। जब वो पूरी रात नहीं आया तो दूसरे दिन उसके पिता गए तो थाना सिविल लाइन में गुम इंसान कायम कराया। थाना सिविल लाइन में गुम इंसान क्रमांक 13/2009 कायम किया गया और उसकी तलाश थाना सिविल लाइन की पुलिस करती रही। दिनांक 20/3/2009 को सुबह लगभग 8 बजे थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत नंदलाल कुशवाहा गोपाल सिंह के बगीचे में पौधों को पानी लगाने का काम कर रहा था। दोपहर 12 बजे जब खाना खाने के लिए घर गया तो वहां पर मवेशी चराने वाले कन्हैया कोल ने बताया कि इदारा के पास से बहुत तेज बदबू आ रही है और एक व्यक्ति का शव इदारा में उतरा रहा है। तब नंदलाल कुशवाहा अपने गांव के प्रभाकर सिंह को ये बात बताई। उसके बाद ये बात थाना रायपुर करचुलियान तक पहुंची। थाना रायपुर करचुलियान ने मर क्रमांक 13/2009 अंतर्गत धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मर्ग कायम किया और मर्ग पर से जांच किया। जांच के दौरान मुलजिम आदित्य वर्मा और इसी मामले में एक अभियुक्त अभी तक फरार है रब्बा उर्फ राजेश, इनको गिरफ्तार किया, पूछताछ किया, गिरफ्तार किया, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसके बाद प्रकरण की संपूर्ण विवेचना करके मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय में आया और वहां से ये प्रकरण क्योंकि 302/201 था तो मजिस्ट्रेट को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है, ये उपार्पित हो करके माननीय जज साहब के न्यायालय में पहुंचा और उन्होंने श्री आर के शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचारण हेतु इस मामले को भेजा। वहां पर मैंने इस मामले की पैरवी की और 18 साक्षियों के साक्ष मेरे द्वारा कराया गया, जिस पर से ये मामला प्रमाणित हुआ। ये मुलजिमगण इसको उठा करके ले गए थे और साक्ष को मिटाने के लिए इन लोगों ने एक चद्दर और रजाई के अंदर इसकी बॉडी को माने पहले तो धारदार हथियार से मारा, इसको चोट लगी और इसकी आंत बाहर आ गई तो उसको लपेट करके रजाई और उसके ऊपर एक चद्दर और रस्सी से बांध करके इसको ले जा करके इदारा में फेंका था। जब चिकित्सक का साक्ष्य हुआ तो चिकित्सक ने इस सारी बात को अपने मुख परीक्षण के दौरान उसको बताया कि अत्यधिक रक्तस्राव और आंखों के बाहर आ जाने की वजह से इसके मृत्यु कारित हुई है, जिस पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
श्री आर के शर्मा साहब ने इसको दोषी पाया और 302-201 दोनों अपराधों में इसको दोषी पाया। 302 में इसको आजन्म कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का प्रत्यक्ष कारावास और धारा 200 में 3 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की राशि अदा 2,000 रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 9 महीने का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया। मुलजिम को जेल भेज दिया गया है और इसी मामले में एक अभियुक्त रब्बा उर्फ राजेश अभी फरार। हत्या लेन देन के विषय में थी क्योंकि ये आपस में एक ही जगह काम करते थे और रंजिशन इन लोगों ने इसको मार करके और साक्ष्य को मिटाने के लिए इसको बांध करके और कुएं में फेंक दिया, लेकिन पुलिस की तत्परता से यह मामला खुला और न्यायालय ने आदित्य वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? एक फरार है। जिला में कौन मेर से मादक पदार्थन के कारोबार फल फूल रहा है या तो आए दिन देखे का मिलत है। अब तक हद यहां तक हो गए कि खुलेआम जगह जगह मेडिकल नशा पहुंचावा जा रहा है। ऐसे एक वीडियो मनिगवा क्षेत्र से वायरल हो रहा है जो उनके ट्यूनी के रहने वाले अलीम उर्फ कल्लू अहमद के बतावा जा रहा है, जेके द्वारा खुलेआम गोली बेची जा रहा की जौन मेर से लड़कन के द्वारा मेडिकल नशा पहुंचावा जा रहा। उसे तो लागत है कि इन खाना तो पुलिस के डेरिया और न समाज के। बताए दी कि अपराधी किस्म के लोगन के द्वारा खुलेआम कोरेक से नशीली गोली बेच के लोगन का दलदल में धकेला जा रहा है। अपना पंचे देखी वीडियो जेखा देख के अनुमान लगा ले कि कौन मेर से लड़कन का नशा के दलदल में धकेला जा रहा और जिम्मेदार अपन आंखी बंद किए हैं। चाट खाई नहीं चिखाई खाई के हम का दे ना दे यार कहां बैठ जाता है अली विनोद एक दिन दिन पगला गया हमका देखता है दीवार आके देखते हैं पसंद छील कह दे जे तू खा भाई आ करो तो खा तो का पानी कहां है यार 2 मिनट दद्दुआ कैंठे मिली कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के द्वारा पत्रकार वार्ता के आयोजन कीनगा और नगर निगम चुनाव के जीत से उत्साहित हुई के रीवा सीट सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती जेमा महापौर की जीत या तय कह दी सी के 2023 के चुनाव में रीवा सीट का कांग्रेस प्रत्याशी 25,000 वोटन से जीती। साथ ही राजेंद्र शर्मा कहीं के बूथ स्तर तक कार्यकर्तन का मजबूत कीन जाई और जनता के राय से प्रत्याशीन का टिकट दई के 2023 के चुनाव लड़ा जाई। अपना पंचन का बताए दे कि 2018 चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद तत्कालीन शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला का हटावत हुए शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल और ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का बनावा गा है। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा मौजूद रहे। आई अपना पंचन का सुनाई था नवनियुक्त कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष का कहीं नहीं। लंबे समय से कांग्रेस की सक्रियता में आम आदमी से लेके अपने कांग्रेस जनों को जोड़ने का काम लंबे समय से सक्रिय रूप में करता रहा। फिर मुझे एक जिम्मेदारी मिली 2018 में 23 मई 2018 को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस की मंशा अनुसार 4.5 साल के कार्यकाल में आप सब ने, पत्रकार साथियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, शहर के व्यापारियों ने, शहर के आम जनता ने और शहर के साथ साथ हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, हमारे NSCI के साथियों ने, सभी प्रकोष्ठों के साथियों ने हमें भरपूर बड़ों ने आशीर्वाद दिया, हमारे साथियों ने हमें सहयोग किया और छोटों ने स्नेह दिया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा स्नेह कांग्रेस परिवार के साथ साथ आपका
और रीवा की जनमानस का जो मुझे सहयोग मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ व युवा साथियों का, महिला प्रकोष्ठ के हमारी माताएं बहनों का। लोकतंत्र के आप स्तंभ हैं। जब जब हमने आपसे निवेदन किया, आग्रह किया, आपने मुझे बड़ी विनम्रता के साथ, स्नेह के साथ आपने अपने अखबार में, प्रिंट मीडिया में मुझे जगह दी, इसलिए आप सबका आभार करता हूँ। और साथ ही हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष उदय ग्रामीण शहर दोनों अध्यक्षों को, नए अध्यक्षों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह नए लोगों को जोड़ने का काम हम सब कांग्रेस के परिवार के लोगों ने किया था और आने वाले समय में हमारे दोनों दो अध्यक्ष नए आम आदमी को और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कमलनाथ जी की मंशा राहुल गांधी जी के मंशा पर पूर्ण होगी और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति आपने अभी 13 तारीख को देखा होगा, स्नेह मिलन समारोह आपके सामने ही किया, आप सबको उसमें भरता रोटी में बुलाया, घर घर चलो अभियान बड़े विनम्रतापूर्वक और बड़े आक्रामक तरीके से, दोनों तरीके से हमने घर घर चलो अभियान किया जी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि शहर अध्यक्ष रहते हुए हमने महापौर का चुनाव 2022 का जीता, जिसमें हमारे मंडलम सेक्टर पोलिंग ब्लॉक यूथ NSCI कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलकर वह चुनाव लड़ा। अब मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो कांग्रेस 2018 के पहले 20,000-25,000 तक में सिमट जाती थी, मेरे शहर अध्यक्ष बनने के बाद अभय मिश्रा जी यहाँ से चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, हम सीधे 52,000 पहुँच गए। तो वो हमारी सक्रियता आपको दिखी होगी और आने वाले समय में सक्रियता और दिखेगी। पार्टी हित में जो भी अच्छे निर्णय होंगे हम सब सहयोगी के रूप में काम करके उसे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। 2000 आप सबका, कांग्रेस पार्टी के, ICC PCC के हमारे जितने भी अधिकारी रहे, ब्लॉक कांग्रेस के सभी सम्मानित अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, लोकसभा के सभी पूर्व प्रत्याशी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारगण, पोलिंग तक के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी अधिकारी और कर्मचारी, आप सबका मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही संगठन का दायित्व हमें जो ICC और PCC के निर्देशों का पालन करते हुए वर्ष 2018 से आज तक मिला, उसके निर्वहन में हम लोगों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यक्रम हो, पूरी तरह से मिलकर शहर कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और कांग्रेस के सभी साथी मिलकर उसका दायित्व का निर्वहन किया। इस कार्यक्रम में मुझे सभी वरिष्ठ लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ तथा 4.5 साल का कार्य करने का जो मौका PCC अध्यक्ष ने एवं रीवा के लोगों को, जो भी PCC में स्थान देने का काम हमारे PCC अध्यक्ष ने किया है, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हों, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, PCC के सभी पदाधिकारी जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, जिनके कल घोषणा दी है, उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि उनके कार्यकाल में पार्टी और ऊंचाई जाएगी और आने वाला जो चुनाव है हम सब लोग मिलकर पूरी तरह से आने वाले विधानसभा के चुनाव में सफलता अर्जित करेंगे। धन्यवाद। खबर रीवा जिला के नईगढ़ी तहसील क्षेत्र के भीड़ जैसवाल टोला की आए, जहां अशोक साकेत और सुरेश साकेत दोनों सग भाइया ही जो उनकी कच्चे घर में रहत रहे हैं, जहां अचानक रात में 9 से 10 बजे के बीच घर गिरे लाग। घर का गिरत देख के सब जन घर के बाहर भागे और कौनों मेर से अपन जान बचाई। अब परिवार के पास रहा के खातिर ना तो कौनों घर आए और न कौनों गृहस्थी के सामान बचाया। सवाल यह उठा था कि जब शासन प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के ढिंढोरा पीटा जाता है, ऐसे में एक गरीब परिवारन का प्रधानमंत्री आवास काहे नहीं मिला। बता दें कि पूर्व परिवार वाले घर से बेघर हो गए हैं और छोट छोट लड़का घर के बाहरे रह खातिर मजबूर हो रहे हैं। अब देखे का हुई कि स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन एक गरीबन का रह के खातिर का सुविधा उपलब्ध करावा थी। खाना बना रहे थे, घर मेरा अचानक गिर गया 9 बजे और हम लोग सब लोग निकल आए बाहर और सब कुछ दब गया उसमें।
और हम लोगों का रहने का घर भी नहीं है, न तो कुछ भी सामान बचा है, सब कुछ दब के बेकार हो गया। वहाँ पे लेटरिन भी बाजू में वो भी टूट गई है और हम लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ा हम लोगों को मदद चाहिए। अरे ये अशोक साकेत के घर है, और ससुर का नाम है हीरालाल साकेत, पति का नाम है अशोक साकेत, मेरा नाम है पार्वती साकेत। इस घर में हम लोग थे, चार लोग हम थे और चार लोग इससे रहे थे, आठ लोग थे घर में हम लोग। और जब बच्चे लेकर हम लोग बैठे थे घर में, जब गिरने लगा आवाज आई तो हम लोग निकल के बाहर निकले आए, नहीं तो बच्चे लोग नहीं बचते, वहाँ पे बैठे रहते शाम को सोते। मातारी के साथ छते में बैठा मासूम के गिरे से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना चौराहा थाना के करहिया गांव के आए बतावा जात है कि टीकमगढ़ के रहने वाला परिवार करहिया में रह के मजदूरी करत रहा है। बीती शाम मातारी के साथ मासूम छते में रहा, अचानक उछल के नीचे गिरीगा। बताई दी के पकड़े के कोशिश की गई रही पर सफलता नहीं मिली। आनन फानन में उपचार के खातिर अस्पताल पहुंचावा गा, जहाँ उपचार के दौरान उखर मौत हो गए। पिता संतोष अहिरवार के द्वारा बतावा गा कि इतना जल्दी यह घटना घटित भय कि कुछ समझे के मौका नहीं मिल पावा। पुलिस मृतक रौनक के सबके पोस्टमार्टम कराए के घर वाले का सौंप दी सी और मामला के जांच कर रही ही। ये नदी पुल के पास की है। करहिया कितने बजे की है? 3 बजे की। रीवा में विकास के नाम पर आप विरोधी का दमन करे के खातिर किलेबंदी की जाल लाही और एक ही खातिर उनका भूखे मरे के कगार में पहुंचावा जा रहा है। इनका उद्देश्य है कि विवश होई के माननीयन के पैर पकड़ के जैसन कहें वैसन करें। सिरमौर चौराहा से विश्वविद्यालय और बोदाबाग रोड कई फ्लाई ओवर के निर्माण किए जा रहा है। साथ ही सिरमौर चौराहा से बोदाबाग रोड में संचालित दुकानन का हटाए के पीछे किए जा रहा है, जिसे सिरमौर चौराहा व्यापारी संघ विरोध कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तक समाप्त होगा पर अब व्यापारियों के दमन के खातिर नई रणनीति बनाई गई है। यह रणनीति ऐसा ही के करा या मरा या तब प्रशासन और शासन के बात माना या विवास हो के भूखे मरे के खातिर तैयार हो जा। आई सुनाई थे स्थानीय व्यापारियों के द्वारा काम मांग की गई है। हमारा कहना तो ये है कि यहाँ आज सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरा व्यापार प्रभावित हो गया है। और हम लोग किराए से हैं, आज 20-22 साल से किराए से दुकानें हैं, किराया देने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है, बैंक से लोन है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मंत्री जी हम लोगों को भी दुकानें दें, आज 20-22 साल से किराए से बैठे हुए हैं और अब हम कहाँ जाएं? अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, आज 45-50 साल का आदमी हो गया, अब कहाँ जाएं? हमारे पास तो रोजी रोटी नहीं है बिल्कुल। आवागमन तो पहली बार बंद है और एक साइड से अगर रोड निकाल देते तो हम लोगों की रोजी रोटी में थोड़ा प्रभाव न पड़ता। अब यह है कि शुक्ला जी को तो कोई अंतर है नहीं, गरीबी क्या चीज़ है उनको कोई मालूम नहीं, गरीबों को ही मालूम है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। उनको तो पैसे से मतलब है, एसी में घूमना, एसी में रहना, हर काम उनका वीआईपी है। तो गरीब का मतलब ये होता है कि जब वो पेट भर रोटी नहीं पाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा उनको, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। अब हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब ऐसा काम करें कि उनका फ्लाई ओवर भी बने, हम लोगों का जो है तो काम भी न रुके, हम लोग दो पैसे के लिए बैठे तो वो भी काम हो। अब ये थोड़ी है कि फ्लाई ओवर के नाम से हजारों 10,000 पब्लिक बेरोजगार है, आवागमन बंद है, कोई पेशेंट है वो भी नहीं जा पा रहा, यहाँ सियाने जितने हैं बुजुर्ग हैं वो टांग फैला के ऊपर चढ़ रहे हैं, रेलिंग में गिर जाएंगे, उसकी जवाबदारी शुक्ला जी को है। तो ये हम लोग जो है तो खुद ही परेशान हैं और पब्लिक भी परेशान है। सर हम कहने लायक तो कुछ है नहीं, हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं, मतलब इधर से भी ब्लॉक है, इधर से भी ब्लॉक है। हाँ ये विकास हो रहा है, ठीक है, हर जगह फ्लाई ओवर बनता है, ये पहला फ्लाई ओवर रीवा में नहीं बन रहा है, हर जगह बना है। तो हमने यही देखा है कि एक तरफ से रोड खोली जाती है, दूसरे साइड काम किया जाता है। तो हमारी यही निवेदन है, हम निवेदन ही कर सकते हैं उनसे, प्रशासन है वो, कि हमारे एक तरफ से आप रास्ता खोल दीजिए। नहीं खोल सकते आप फोर व्हीलर के लिए, चलिए ठीक है आपको दिक्कत हो रही है, जाम लगेगा, आप मोटरसाइकिल का रास्ता खुलवाइए। तो रास्ता खुलवाएंगे तो दो पैसे हमारे भी आए होगी, नहीं तो आगे चल के क्या होगा, वही जो होता था, बेरोजगार हो जाएंगे, फिर आगे जाके कुछ और करेंगे। आज खातिर इतने, बघेली में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।